हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 14 संसाधनों की देखभाल और संरक्षण यानी सुरक्षा के बारे में आगे का भाग पढ़ाऊंगी। पहले भाग में संसाधन, संसाधनों के प्रकार, संसाधनों का संरक्षण, संसाधन, भूमि संसाधन में जमीन का निर्माण, भूमि संरक्षण, जल संसाधन, जल संकट, जल संसाधनों की सुरक्षा और व्यवस्था, खनिज संसाधन, खनिज संरक्षण, वन और वन्य जीवन संसाधन, जंगलों का महत्व, वन संरक्षण के बारे में पढ़ा। अब आगे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी वन संरक्षण यानी सुरक्षा के कुछ उपाय के बारे में। हम आगे पढ़ते हैं, पर्यावरण शिक्षण और पर्यावरणीय जागृति लाने से वन संरक्षण कर सकते हैं। विविध स्पर्धाओं यानी प्रतियोगिताओं, प्रवृत्तियों यानी कार्यों द्वारा जंगलों का महत्व समझाना, जंगल विभाग के कार्य क्षेत्र को गुणवत्ता युक्त बनाना, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना, विद्यालय में इको क्लब की रचना कर विविध प्रवृत्तियां करना, वृक्षारोपण वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम को महत्व देना। वन की सुरक्षा के उपाय के बारे में यहाँ बताया गया है कि पर्यावरण से संबंधित शिक्षा देना और पर्यावरणीय यानी पर्यावरण के प्रति लोगों में जानकारी लाने से वन की सुरक्षा हम कर सकते हैं। अलग अलग प्रतियोगिताओं द्वारा, अलग अलग कार्यों द्वारा जंगलों का महत्व हम लोगों को समझा सकते हैं। जंगल विभाग के कार्य क्षेत्र को गुणवत्ता युक्त यानी उसके खासियत को बनाए रख सकते हैं। बंजर भूमि जिस पर कुछ भी पैदा नहीं होता है, ऐसे ज़मीन पर वृक्षों को लगा सकते हैं। विद्यालय में इको क्लब का मतलब होता है जो बच्चे पर्यावरण से संबंधित जानकारी के लिए इच्छुक रहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं पर्यावरण से, ऐसे बच्चों को एकत्रित करना, उसे इको क्लब कहते हैं। ऐसे क्लब की रचना कर विविध प्रवृत्तियां यानी कार्य कर सकते हैं। वृक्षारोपण यानी पेड़ों का लगाना, वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को महत्व देना। आगे हम पढ़ते हैं, उत्सव के विविध दिन। उत्सव के अलग अलग दिन हैं। पहला है 21 मार्च जो विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर वन्य प्राणी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 दिसंबर जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, वन्य जीव संसाधन। भारत का वन्य जीव वैविध्यपूर्ण है। विश्व के विविध जंतुओं और अनेक प्राणियों की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। पक्षियों और मछलियों की प्रजाति में भी काफ़ी वैविध्य पाया जाता है। सरीसृपों, स्तनधारियों और उभयजीवी प्राणियों में भी काफ़ी वैविध्य पाया जाता है। यहाँ बताया गया है कि भारत का जो वन है उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु विश्व के अलग अलग जंतुओं और उनके प्राणियों की प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। पक्षी और मछलियों की प्रजातियों में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। वैविध्य का मतलब होता है अंतर, अनेकता। सरीसृपों, स्तनधारियों और उभयजीवी उसको बोलते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, ऐसे प्राणियों में भी काफ़ी अंतर यानी अनेकता पाया जाता है। आगे बताया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कश्मीरी मृग, जंगली बकरी पाई जाती है। उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, असम आदि राज्यों में हाथी पाया जाता है। एक सिंगी गैंडा भारत का विशिष्ट यानी खास प्राणी है। वह असम और पश्चिम बंगाल के दलदली यानी कीचड़ वाले क्षेत्रों में बसते हैं अर्थात रहते हैं। कच्छ के छोटे रेगिस्तान में और उससे लगे क्षेत्रों में घुड़खड़ यानी जंगली गधा पाया जाता है। आगे पढ़ेंगे, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सिंह, तेंदुआ और बाघ तीनों पाए जाते हैं। सिंह गुजरात के गिर के जंगलों में बसता है अर्थात निवास करता है। बाघ पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हिमालय के क्षेत्रों आदि में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर यानी बंगाल का बाघ विश्व की 8 जातियों में से एक है। यहाँ बताया गया है कि भारत ही मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पे सिंह, तेंदुआ और बाघ तीनों पाए जाते हैं। सिंह गुजरात के गिर जंगलों में निवास करता है। बाघ पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान,
जिसे हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर बंगाल का बाघ पूरे विश्व की 8 जातियों में से एक है। आगे है दांता जेसोर, विजयनगर गुजरात के डेडियापाड़ा और रतनहाल क्षेत्रों में भालू यानी रीछ पाया जाता है। भारत में बतख तोता कांबर कबूतर मैना आदि जात के पक्षी बड़ी संख्या में अर्थात बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। गुजरात के नल सरोवर में सर्दियों यानी ठंडी के मौसम में ऐसे प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी का मतलब होता है जो दूसरे देश से आए हुए हैं। सुरखाब गुजरात राज्य का पक्षी है। भारत के समुद्री किनारे पर मैकरल झींगा बुमला शार्क डॉल्फिन सालमन आदि प्रजातियों अर्थात जातियों की मछलियां पाई जाती हैं। भारत में विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार के हिरण और सांप की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। हिमालय के शीत वनों में लाल पांडा पाया जाता है। यहाँ बताया गया है कि हिमालय के जो ठंडे वन होते हैं ऐसे वनों में लाल पांडा पाया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं लुप्त होता वन्य जीवन। लुप्त यानी गायब, यानी वन के जो जीवन जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। गुजरात के वनों में से बाघ और भारत के वनों में से तेंदुआ लुप्त हो गया है अर्थात गायब हो गया है। कुछ पक्षी जिनमें गौरैया गींद सारस उल्लू घोराड़ जिन्हें सोहन चिड़िया कहते हैं और घड़ियाल गंगे डॉल्फिन जैसे प्राणी लुप्त होने के कगार पर यानी सीमा पर हैं। गुजरात की नर्मदा तापी साबरमती आदि नदियों में पाए जाने वाले उदबिलाव संकट यानी खतरे में हैं। यहाँ बताया गया है कि धीरे धीरे वन में रहने वाले प्राणी गायब हो रहे हैं। गुजरात के वनों में से बाघ और भारत के वनों में से तेंदुआ गायब हो रहा है। कुछ पक्षी हैं जिनमें से गौरैया गिद सारस उल्लू घोराड़ और घड़ियाल गांगे डॉल्फिन जैसे प्राणी भी खत्म होने के कगार पे हैं। गुजरात के नर्मदा तापी साबरमती और आदि नदियों में पाए जाने वाले उदबिलाव भी खतरे में हैं। आगे हम पढ़ते हैं वन्य जीवन संरक्षण यानी वन में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं। सदियों से वन जीवन संरक्षण के लिए कानून बनते रहे हैं। सम्राट अशोक द्वारा वन्य जीवन संरक्षण के लिए कानून बनवाने की जानकारी इतिहास से प्राप्त होती है। आज भी इसके लिए कानून है। अधिकांश यानी ज़्यादातर राज्यों में स्टेट वाइल्ड लाइफ की रचना हुई है। अन्य स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा से संस्थाएं भी इसके लिए कार्य कर रही है। वन के जीवन की सुरक्षा के लिए यहाँ बताया गया है कि सदियों से यानी बहुत ही पुराने समय से वन में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाते रहते हैं लोग। सम्राट अशोक द्वारा वन में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनवाने की जानकारी इतिहास में मिलती है। आज भी इसके लिए कानून है। ज़्यादातर राज्यों में स्टेट वाइल्ड लाइफ की रचना हुई है, निर्माण हुआ है और दूसरे अन्य संस्थाएं जो अपनी इच्छा से अपनी चाहत के अनुसार वन के जीवन के लिए कार्य कर रही हैं। आगे है वन्य जीव संरक्षण के लिए निम्नानुसार कानूनी कदम उठाने चाहिए यानी वन में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए यहाँ दिए गए कानूनों दिए गए सूचनाओं के अनुसार कदम उठाने चाहिए फैसले लेने चाहिए। पहला है वन्य जीवों पर होने वाले अत्याचार और शिकार प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़क अमल करना चाहिए यानी वन में रहने वाले जीवों पर जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनका शोषण कर रहे हैं उन्हें जंगल काटे जा रहे हैं उन्हें मारे जा रहे हैं ऐसे जानवरों का शिकार न हो ऐसे कार्यों को रोकने के लिए कड़क नियम कानून बनाना चाहिए। जंगल के प्राणियों की गिनती समयांतर करनी चाहिए यानी जंगल में कितने प्राणी की वृद्धि हुई कितने समाप्त हो रहे हैं उनकी गिनती थोड़े थोड़े समय के अंतर पर करना चाहिए। जंगल वन्य जीवों को प्राकृतिक संरक्षण देते हैं इसलिए जंगलों का विनाश रोकना चाहिए अर्थात जंगल वन में रहने वाले जीवों की आश्रय है आवास है इसलिए जंगलों को काटने से रोकना चाहिए। लोगों को वन्य जीवों का महत्व समझा कर वन्य जीव संरक्षण की जानकारी देनी चाहिए अर्थात लोगों को वन में रहने वाले
जीवों के बारे में उनको जानकारी देकर समझाकर उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। जंगलों में लगती आग को रोकने के लिए शीघ्र प्रयत्न करने चाहिए। जंगल में जो आग लग जाती है किसी भी कारण से, घटना को जल्दी से जल्दी रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। वन्य जीवों को डॉक्टरी सुविधा मिले ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। वन में रहने वाले जीवों को डॉक्टरी सुविधा मिले ऐसे प्रयास करने चाहिए। वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। वन में रहने वाले जीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का विकास यानी प्रगति वृद्धि करनी चाहिए। प्रचार प्रसार माध्यमों द्वारा जागृति लाना चाहिए। वन में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम के द्वारा लोगों को जानकारी देनी चाहिए, उसके सचेत कराना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। आगे है वन्य जीवों के संदर्भ में जीवों के आवश्यकताएं जैसे पानी, खुराक, आवास पर्याप्त मात्रा में मिले ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। आगे बताया गया है कि वन में रहने वाले जीवों के विषय में, संदर्भ का मतलब होता है विषय, में वन्य जीवों की, वन में रहने वाले जीवों की जरूरतें जैसे कि पानी, खुराक यानी भोजन, प्राकृतिक आवास यानी उनके घर जंगल पर्याप्त मात्रा में मिले ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे रेगिस्तान का जीवन, इसके बारे में पढ़ते हैं रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है। पहला है सहारा का रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान अधिक विशाल यानी बहुत बड़ा है। सहारा की जलवायु गर्म और शुष्क है, बरसात बहुत ही कम पड़ती है, वनस्पति रहित। इस प्रदेश में दिन का तापमान 50% से तक पहुँच सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो रात्रि में 0 सेल्सियस से नीचे भी हो जाता है। सहारा के रेगिस्तान के बारे में बताया गया है कि सहारा का रेगिस्तान पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह बहुत ही बड़ा है। यहाँ की जलवायु यानी मौसम गर्म और शुष्क यानी सूखा है, बरसात बहुत ही कम होती है, यहाँ पर वनस्पति रहते यानी यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं। इस प्रदेश में दिन का तापमान यानी दिन में तापमान गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, वही रात में 0 सेल्सियस से नीचे तक भी चला जाता है। आगे है वनस्पति और प्राणी जगत, इसके बारे में पढ़ते हैं। सहारा के रेगिस्तान में कटीली वनस्पति यानी काटेदार पेड़ पौधे, खजूर के वृक्ष आदि पाए जाते हैं। रेगिस्तानी प्रदेश होने से बहुत कम वनस्पति अर्थात पेड़ देखने को मिलती हैं। रेगिस्तान में खजूर के वृक्षों से घिरे रेगिस्तानी द्वीप है। लोमड़ी, लकड़बग्घा, रेगिस्तान के बिच्छू, गिरगिट, रेगिस्तानी गोह और सांप जैसे प्राणी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तान के बारे में यह बताया गया है कि सहारा के रेगिस्तान में कांटेदार पेड़ खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। रेगिस्तानी प्रदेश होने से बहुत कम वनस्पति यानी पेड़ पौधे देखने को मिलती हैं। रेगिस्तान में खजूर के वृक्षों से घिरे रेगिस्तान द्वीप है। लोमड़ी, लकड़बग्घा, रेगिस्तान के बिच्छू, गिरगिट, रेगिस्तानी गो और सांप जैसे प्राणी रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। आगे पढ़ेंगे कुछ चित्र दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे सहारा का रेगिस्तान, खजूर के वृक्ष, खनिज तेल क्षेत्र, मिट्टी के पारंपरिक घर। आगे हम पढ़ते हैं लोक जीवन के बारे में। सहारा की विषम यानी कठिन मुश्किल जलवायु में भी लोक जीवन सक्रिय पाया जाता है, जिनमें बेदुइन, तुआंगरेंग और बर्बर जैसी जनजाति के लोग निवास करते हैं। अधिकांश लोग भेड़, बकरी और ऊंट जैसे प्राणी पालते हैं, जिनसे वे दूध, चमड़ा और ऊन जैसे उत्पाद प्राप्त करके जीवन की आवश्यक यानी जरूरत की चीज वस्तुएँ जैसे कालीन, वस्त्र, गर्म कंबल बनाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में आई नील घाटी में जल उपलब्ध होने से यहाँ खजूर और गेहूं जैसी फसलें ली जाती हैं। सहारा के रेगिस्तानी क्षेत्र में खनिज तेल मिलता है। इसके उपरांत इन क्षेत्रों में से लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम जैसे खनिज भी मिलते हैं। खनिजों का अधिक मात्रा में उत्पादन होने से कई क्षेत्रों के लोक जीवन में बड़े परिवर्तन यानी बदलाव होने लगे हैं। कच्चे मिट्टी के मकानों के बदले
पक्के मकान और सड़क मार्ग बनने से शहरीकरण भी हो गया रहा है। विदेशों से भी कई लोग यहाँ के तेल क्षेत्र में रोजगार के लिए आते हैं। सहारा में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है कि सहारा की कठिन मुश्किल वातावरण में जलवायु में भी लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनमें बेंदुइन, त्वानरेंग और बर्बर जैसे जनजाति के लोग निवास करते हैं अर्थात रहते हैं। ज़्यादातर लोग भेड़ बकरी और ऊंट जैसे प्राणी को पालते हैं। उनसे ये लोग दूध, चमड़ा, ऊन जैसे उत्पाद प्राप्त करके जीवन की आवश्यक चीज वस्तुएं जैसे कालीन, वस्त्र, गर्म कंबल बनाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में आई नील घाटी में जल उपस्थित होने से यहाँ खजूर और गेहूं जैसी फसलें भी ये लोग उगाते हैं अर्थात करते हैं। सहारा के रेगिस्तान क्षेत्र में खनिज तेल मिलता है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में से लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम जैसे खनिज भी प्राप्त करते हैं। खनिजों के अधिक मात्रा में उत्पादन होने से कई क्षेत्रों में लोक जीवन में बड़े बदलाव होने लगे हैं। कच्चे मिट्टी के मकानों के बदले पक्के मकानों में और सड़क मार्ग बनने से शहरीकरण यानी शहरों का विस्तार हो रहा है। विदेशों से कई लोग यहाँ तेल क्षेत्र में रोजगार के लिए आते हैं। आगे है लद्दाख का रेगिस्तान, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के उत्तर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख भारत का ठंडा रेगिस्तान है जिसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। इस क्षेत्र की मुख्य नदी सिंधु है। ऊंचाई के कारण यहाँ हवा अत्यंत पतली है और जलवायु ठंडी और शुष्क है। यहाँ गर्मी में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और रात्र में 30 डिग्री सेल्सियस भी नीचे उतर सकता है। यहाँ बरसात का मात्रा अत्यंत ही कम रहती है। लद्दाख के रेगिस्तान के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत के उत्तर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, यानी वहाँ पर केंद्र का शासन रहता है। लद्दाख भारत का ठंडा रेगिस्तान है जिसके उत्तर में काराकोरम पर्वत है और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। इस क्षेत्र की खास नदी सिंधु है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ का हवा बहुत ही पतला है और जलवायु यानी मौसम ठंडी और शुष्क यानी सूखा है। यहाँ गर्मी में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और रात्रि में 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। यहाँ बरसात यानी वर्षा की मात्रा बहुत ही कम रहती है। आगे पढ़ेंगे जानने योग्य बातें। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं जिसका मतलब होता है हिम भूमि यानी बर्फ की जमीन। आगे हम पढ़ते हैं वनस्पति और वन्य जीवन, इसके बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान शुष्क वातावरण वाला होने से वहाँ बहुत कम वनस्पति होती है। केवल छोटी घास पाई जाती है जो पालतू प्राणियों को चराने के लिए उपयोग में ली जाती है। घाटी के प्रदेशों में देवदार और पॉपलर यानी चिनार के वृक्ष हैं। लद्दाख में पक्षियों के विभिन्न यानी अलग अलग प्रजातियां जैसे कि देव चिड़िया, रेड स्टार, चुकार, सैला, स्नो पार्ट्रिज, तिब्बत का स्नो कोक, रेवेन तथा हॉप पाए जाते हैं। जबकि प्राणियों में हिम तेंदुआ, लाल लोमड़ी, ममोर्ट यानी बड़ी गिलहरी, गेरुए रंग का रिक्ष और हिमालयी ताहर पाए जाते हैं। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए जंगली बकरी, भेड़ और याक पाले जाते हैं। याक के दूध से वे पनीर बनाते हैं और भेड़ बकरी तथा याक के ऊन का उपयोग करके गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है लद्दाख के कि लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान शुष्क यानी सूखा वातावरण यानी मौसम वाला होने से वहाँ बहुत ही कम पेड़ पौधे होते हैं। केवल छोटी घास पाई जाती है जो पालतू प्राणियों को चराने के लिए प्रयोग में ली जाती है। घाटी के प्रदेशों में देवदार और पॉपलर यानी चिनार के वृक्ष अर्थात पेड़ हैं। लद्दाख में पक्षियों की अलग अलग जातियां पाई जाती हैं जैसे देव चिड़िया, रेड स्टार, चुकार, सैला, स्नो पार्टिज, तिब्बत का स्नो कोक, रेवेन तथा हॉप पाए जाते हैं।
जबकि प्राणियों में हिंद तेंदुआ, लाल लोमड़ी, ममोट यानी बड़ी गिलहरी, गेरुए रंग का, गेरुए यानी ऑरेंज कलर का रिच और हिमालयी ताहर पाए जाते हैं। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए जंगली बकरी, भेड़ और याक जैसे प्राणियों को लोग पालते हैं। याक के दूध से वे पनीर बनाते हैं और भेड़, बकरी तथा याक के ऊन का उपयोग करके गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। आगे है, आगे चित्र दिया गया है लद्दाख के खेत का और अखरोट के वृक्ष का। हम पढ़ेंगे आगे लोग यानी लोक जीवन, लोगों के जीवन के बारे में। लद्दाख अपने पहाड़ी सौंदर्य यानी सुंदरता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। यहाँ अधिकांश अर्थात ज़्यादातर इंडो आर्यन तिब्बतियन लद्दाखी प्रजाति के लोग बसते हैं, जिनमें अधिकांश लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ स्थित है, जिसमें हेमिस, थिक्से, रा आदि है। गर्मी के ऋतु में यहाँ जौ, आलू, मटर आदि की खेती करते हैं। महिलाएं गृह कार्य, कृषि के साथ साथ छोटे व्यवसाय जैसे कि दुकान खोलना, गर्म कपड़े बुनना आदि भी करती हैं। यहाँ तिब्बतियन संस्कृति के मोटे तौर पर फैलाव के कारण इसे छोटे तिब्बत के रूप में भी पहचाना जाता है। यहाँ लद्दाख के लोगों के जीवन के बारे में बताया गया है कि लद्दाख अपनी पहाड़ी सुंदरता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। यहाँ ज़्यादातर इंडो आर्यन तिब्बतियन लद्दाखी प्रजाति के लोग निवास करते हैं अर्थात रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ स्थित है, जिनमें हेमिस, थिक्से, रॉ आदि है। गर्मी के मौसम में यहाँ जौ, आलू, मटर आदि की खेती करते हैं ये लोग। घर की जो महिलाएं होती हैं वह गृह कार्य, कृषि के साथ साथ छोटे मोटे व्यवसाय जैसे कि दुकान खोलना, गर्म कपड़े बुनना आदि भी कार्य करती हैं। यहाँ तिब्बतियन संस्कृति के मोटे तौर पर यानी अधिक स्तर पर फैलाव होने से, विस्तार होने के कारण इसे छोटे तिब्बत के रूप में भी पहचाना जाता है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ के लोग सादा और सरल जीवन जीते हैं। यहाँ के अधिकांश लोगों के रोजगार का मुख्य साधन पर्यटन है। देश विदेश के लोग यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ मठ, घास के मैदान और हिम नदियाँ यानी बर्फ से ढकी नदियाँ देखने लायक है। यहाँ साथ ही यहाँ के लोग उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान यानी यज्ञ देखने लायक है। इस तरह लद्दाख के लोगों का जीवन देखना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ बताया गया है कि लद्दाख के लोग सादा और सरल यानी साधारण जीवन जीते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोगों के रोजगार का मुख्य साधन पर्यटन है अर्थात जो अलग अलग जगहों से घूमने के लिए जाते हैं। देश विदेश के लोग यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ मठ, घास के मैदान और हिम नदियाँ यानी बर्फ की नदियाँ देखने के लायक है, योग्य है। साथ ही यहाँ के लोगों का उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान देखने के योग्य है। इस तरह लद्दाख के लोगों का जीवन देखना एक अद्भुत अनोखा एहसास है, अनुभव है। आगे है, लद्दाख का मुख्य शहर लेह है, जो वायु और जमीन मार्ग से जुड़ा है, जहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1A गुजरता है। आधुनिकीकरण से यहाँ जीवन में भी परिवर्तन आने लगा है। इसके उपरांत यहाँ लोग प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चलते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं का खूब मितव्ययिता से उपयोग करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आगे लद्दाख के बारे में बताया गया है कि लद्दाख का मुख्य शहर जो है वह लेह है, जो वायु यानी हवा और जमीन मार्ग से जुड़ा हुआ है, जहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1A गुजरता है। आधुनिकीकरण यानी धीरे धीरे प्रगति के रास्ते पर हमारा देश जा रहा है। उस आधुनिकीकरण के कारण, प्रगति के कारण यहाँ भी लोगों के जीवन में बदलाव आने लगा है। इसके अलावा यहाँ लोग प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं का सही ढंग से उपयोग करके यह लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। आगे पढ़ेंगे, कच्छ का रेगिस्तान, इसके बारे में पढ़ते हैं। गुजरात राज्य के उत्तर पश्चिम में कच्छ का रेगिस्तान है। कच्छ के रेगिस्तान के पश्चिम में
पाकिस्तान देश तथा उत्तर पूर्व में राजस्थान राज्य है। इसके दो भाग हैं, छोटा और बड़ा रेगिस्तान। ऐसा प्रतीत होता अर्थात महसूस होता है कि महाद्वीपीय सेल्फ ऊपर उठने से बना है। गुजरात के कच्छ जिला में स्थित रेगिस्तान थार के रेगिस्तान का एक भाग है। यहाँ सफ़ेद रेगिस्तान भी है। यहाँ की जलवायु अर्थात मौसम गर्म और शुष्क यानी सूखा है। कच्छ के रेगिस्तान के बारे में यहाँ बताया गया है कि गुजरात राज्य के उत्तर पश्चिम में कच्छ का रेगिस्तान है। कच्छ के रेगिस्तान के पश्चिम में पाकिस्तान देश तथा उत्तर पूर्व में राजस्थान राज्य आता है। इसके दो भाग हैं, छोटा और बड़ा रेगिस्तान। ऐसा महसूस होता है कि महाद्वीपीय सेल्फ ऊपर उठने से यह बना है। गुजरात के कच्छ जिला में स्थित रेगिस्तान थार के रेगिस्तान का एक भाग है। यहाँ सफ़ेद रेगिस्तान भी है। यहाँ की मौसम गर्म और सूखा है। आगे हम पढ़ते हैं वनस्पति और प्राणी जीवन के बारे में। कच्छ के रेगिस्तान में बन्नी क्षेत्र है। यहाँ विविध प्रकार के घास और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कच्छ के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बबूल के वृक्ष लगाए गए हैं। कच्छ के बड़े रेगिस्तान में सुरखाव यानी फ्लेमिंगो पाया जाता है। इसके उपरांत लावरी, घोराड़, कुंज, सारस आदि अन्य पक्षी पाए जाते हैं। घोराड़ पक्षी लुप्त होने की कगार पर है। यहाँ घुड़खड़ यानी जंगली गंधा, नील गाय, सुनहरी लोमड़ी, जंगली बिल्ली, भेड़िया बिल्ली, लकड़बग्घा, चिंकारा, कलियार यानी कृष्ण मृग आदि भी पाए जाते हैं। वनस्पति और प्राणी जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है कि कच्छ के रेगिस्तान में बन्नी क्षेत्र है। यहाँ अलग अलग प्रकार के घास और कांटों की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कच्छ के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बबूल के पेड़ लगाए जाते हैं। कच्छ के बड़े रेगिस्तान में सुरखाव यानी फ्लेमिंगो पाया जाता है। इसके अलावा लावरी, घोराड़, कुंज, सारस आदि दूसरे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। घोराड़ पक्षी समाप्त होने की सीमा पर पहुँच गया है। यहाँ घुड़काड़, जंगली गधा, नील गाय, सुनहरी लोमड़ी, जंगली बिल्ली, भेड़िया बिल्ली, लकड़बग्घा, चिंकारा, कलियार यानी कृष्ण मृग आदि भी प्राणी पाए जाते हैं। कच्छ का लोक जीवन कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। कच्छ का लोक जीवन वैविध्यपूर्ण है यानी विविधता से भरा हुआ है, अनेकता से भरा हुआ है। यहाँ के लोग भेड़ बकरी, ऊँट, गाय भैंस, गधा जैसे प्राणियों का पालन करते हैं। समुद्री किनारे के लोग जल परिवहन, मछली पकड़ने, झींगा पकड़ने के व्यवसाय से रोजगार प्राप्त करते हैं। कई क्षेत्रों में विशिष्ट यानी खास जलवायु होने से खजूर, अनार, नारियल और कच्छी केसर आम की फसल ली जाती है। यहाँ की मुख्य फसल बाजरी है। कच्छ के कुछ लोग विशिष्ट भरतकार यानी दस्तकारी और हस्तकला के व्यवसाय से जुड़े हैं। आधुनिक उद्योगों के यानी नए नए उद्योगों के विकास से रोजगार भी बढ़ जाती है। यहाँ पर्यटन उद्योग भी खूब तेज़ी से विकसित हो रहा है यानी उसकी प्रगति हो रही है, जिसमें से भी अनेक लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। कच्छ की भौगोलिक समतल परिस्थिति होने से पैरा ग्लाइडिंग जैसे साहसिक प्रवृत्तियाँ विकसित हो रही हैं। कच्छ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है कि कच्छ के लोगों का जीवन अनेकता से भरपूर है। यहाँ के लोग भेड़ बकरी, ऊँट, गाय भैंस, गधा आदि जैसे प्राणियों को पालते हैं। समुद्र के किनारे रहने वाले लोग जल परिवहन, मछली पकड़ने, झींगा पकड़ने जैसे कार्यों से अपना रोजगार पाते हैं। कई क्षेत्रों में खास मौसम होने से खजूर, अनार, नारियल और कच्छी केसर आम की फसल का खेती किया जाता है। यहाँ की मुख्य खेती बाजरे का होता है। कच्छ के लोग कुछ खास यानी विशिष्ट भरत काम जैसे दस्तकारी और हस्तकला यानी हाथों से बनाने के व्यवसाय से जुड़े हैं। नए समय के उद्योगों के विकास से इनको रोजगार मिला है, रोजगार की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर्यटन उद्योग भी बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहा है, जिसमें से भी अनेक लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। कच्छ की भौगोलिक समतल यानी एक बराबर जमीन होने के कारण पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक प्रवृत्तियाँ विकसित हो रही हैं।
पैराग्लाइडिंग क्या होता है, एक उड़ान होता है, इसका चित्र मैं आप लोग को यहाँ पे दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बच्चों जितना पढ़ाया गया आप लोग को उसको ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। यह पाठ आपका समाप्त हुआ, आगे का पाठ आगे के वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।